हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरूक टीवी और मैं हूं आपके साथ दर्शना गतराज। केरल में आई बाढ़ की तबाही से बेहाल पीड़ितों की मदद के लिए देश भर से बहुमूल्य हाथ आगे आए हैं और इसी तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को केरल के लिए 1 करोड़ की मदद सौंपी जैन समाज ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को केरल के बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए मुंबई के जैन समाज और जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 51 लाख रुपए का चेक और 50 लाख रुपए की सामग्री दी गई है। जैन संत नैपद्य सागर महाराज, भाजपा के वरिष्ठ विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा और जैन समाज के कई प्रमुख लोगों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री फडणवीस ने राहत सामग्री से भरे 5 ट्रक केरल के लिए रवाना किए। तारदेव में बुधवार को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में झंडी दिखाकर राहत सामग्री रवाना की गई। राहत सामग्री की इस पहली खेप में बाढ़ पीड़ितों के लिए दवाइयां, बर्तन, कंबल आदि जैसा तत्कालिक जरूरत का सामान है। मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया गया कि अगले कुछ ही दिनों में जियो की ओर से डॉक्टर्स फेडरेशन की टीम केरल में चिकित्सा सहायता के लिए रवाना होगी। मुख्यमंत्री ने इस सहायता के लिए नैपद्य सागर महाराज और जैन समाज के आभार जताए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि केरल की विपदा किसी प्रलय जैसी भयंकर विपदा है और हम सब इसे अपनी विपदा मानकर केरल के साथ खड़े रहे। विपदा पीड़ितों के सहयोग के लिए 50 लाख की कीमत का सारा नया सामान बाजार से खरीद कर लाने के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संस्कार हमारा सबसे बड़ा धन होता है और हमें ये संस्कार ही देने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्हीं संस्कारों से सिंचित जैन समाज हमेशा संकट के समय लोगों के साथ खड़ा रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 20 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी है, साथ ही सबसे ज्यादा मेडिकल टीम भी महाराष्ट्र से ही केरल पहुंची है। विख्यात जैन संत नैपद्य सागर महाराज की प्रेरणा से 50 लाख रुपए की राहत सामग्री और 51 लाख चेक की धनराशि जुटाई गई। मुख्यमंत्री को नैपद्य सागर ने आश्वस्त किया कि जरूरत पड़ी तो जैन समाज केरल में बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए और भी सहायता देगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह पहली राहत खेप अपने हाथों से झंडी दिखाकर रवाना की। केरल बाढ़ और देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखो जागरूक, बनो जागरूक।